नमस्कार दोस्तों, जय उत्तराखंड। दिल्ली दंगों से दिल से दुखी, मन में पीड़ा, आंखों में आंसू, होली कैसे किसके संग खेलों। मेरी दिल्ली लूट गई है। दिल्ली में जो सामाजिक रिश्ते थे वो तार तार हो गए हैं। जो पारिवारिक रिश्ते थे, सामाजिक रिश्ते थे, जो आपसी भाईचारा था, उसको उसमें एक दहशत। वो रिश्ते तो कायम हैं, जिस तरीके से काम हो कर रहे हैं लोग, परंतु उसके अंदर एक दहशत, एक कड़वाहट, एक खटास डालने की कोशिश इन दंगों ने की है और उन रिश्तों का खून किया है, सामाजिक मर्यादा का खून किया है, पारिवारिक रिश्तों का खून किया है, आपसी भाईचारे का खून इन दंगों में ने किया है। इन दंगों के पीछे आखिर कौन है समझ में नहीं आ रहा है। दंगों में से बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम भाई को बचा रहे हैं, मुस्लिम भाई हिंदू भाई को बचा रहे हैं, आखिर फिर ये मार कौन रहा है, ये हमलावर है कौन, ये समझ में किसी के नहीं आ रहा है कि हमला करने कौन आ रहा है और कौन अपने बचाव में है, कौन उसको मार रहा है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। परंतु दहशत है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, निर्दोष लोग मारे गए हैं जिनका कोई कसूर नहीं था। उसमें एक हमारा उत्तराखंडी भाई भी शामिल है जिसका नाम दिलवर सिंह नेगी है। केवल 20 साल की उम्र थी, 6 महीने पहले अपने गांव से, पौड़ी से वो दिल्ली आए थे और बताया जा रहा है कि किसी शॉप में, किसी दुकान में काम करते थे और दंगाइयों ने उनकी निर्मम हत्या की और उनको जलाकर छोड़ गए। तो ये जो उसके बाद उनके बचाव में दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारा समाज है, यहाँ पर जो अपने लोग हैं, जितने कुछ लोग उनको वहाँ पर स्वगृह में गए उनको लेने, वहाँ पर भी मुस्लिम भाइयों ने मदद की, उसके परिवार और उनके परिवार वाले गांव से आए और जो भी मदद हो सकती थी, जिनसे उसमें हमारे उत्तराखंडी भाई भी थे और जो मुस्लिम भाई भी थे उन्होंने भी मदद की। तो ये सामाजिक रिश्ता, सामाजिक ढांचा, हमारे अनेकता में एकता और विविधता में एकता जो है वो अभी भी कायम है, उसकी जड़ें अभी भी गहरी हैं, मजबूत हैं, परंतु उनमें ये खटास डालने की कोशिश कौन कर रहा है, इनको समझने की ज़रूरत है। जो लोग ये घृणा, नफरत और जो का जहर जो उगलते हैं, ये आखिर हैं कौन, इस सबको समझने की ज़रूरत है। इसने इन्हीं वजह से हमारे जो किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने बेटा खोया, किसी ने अपना सिंदूर, किसी का सिंदूर उजड़ा, कोई कुछ बच्चे अनाथ हुए, किन्हीं के कुछ लोगों के घर उजड़ गए, किसी का कमाने वाला नहीं रहा, ये हालत आज दिल्ली की हो गई है। दिल्ली पूरी तरह दहशत में है और ये इसमें एक पीड़ा हमारी वो भी है कि हम उत्तराखंड जो के लोग हैं, उत्तराखंड हमने बहुत बड़े संघर्ष में लिया, उत्तराखंड के दौरान भी हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, हमारे साथ भी ज़्यादातियाँ हुई, मुजफ्फरनगर जैसा कांड से हमें गुजरना पड़ा, उसमें भी सभी लोगों ने, जो मुजफ्फरनगर में हर कौम के लोगों ने हमारी मदद की थी, यहाँ भी वही हुआ। दंगाइयों ने दंगे किए परंतु मानवता आगे आई और उन्होंने लोगों को बचाया, बचाने में काम किया है। और वही नहीं, अंतिम दाह संस्कार में भी सहयोग किया है, सभी लोगों ने एक दूसरे का सहयोग करके काम किया है। तो यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि कुछ आखिर वो कौन से स्वार्थी लोग हैं, उनका क्या स्वार्थ है जो ये समाज को तोड़ के, समाज में दहशत फैलाकर, समाज में भय का माहौल पैदा कर, सामाजिक रिश्ते को तोड़कर, सामाजिक बंधनों को तोड़कर, आपसी प्रेम भाव को तोड़कर जो एक भय का माहौल पैदा करना चाह रहा है, ये इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ कि अभी दिलवर सिंह नेगी जिनकी निर्मम हत्या यहाँ पर हुई है, उनको क्या ऐसी परिस्थितियाँ थी 20 साल की उम्र में, जब बच्चे को कॉलेज में पढ़ना होता है, शिक्षा दीक्षा लेनी थी, वो नौकरी के लिए सुदूर पहाड़ों से दिल्ली आते हैं और दिल्ली में वो दंगों के शिकार हो जाते हैं। क्या ये 20 साल बनने के बाद उत्तराखंड की हालात का वो एक कहानी वो नहीं कर रही है, बयान नहीं कर रही है कि उत्तराखंड में कैसी हालत है। आज भी लोग दुकानों में काम करने के लिए,
और छोटे छोटी छोटी नौकरी करने के लिए पहाड़ों से शिक्षा दीक्षा छोड़कर दिल्ली आ रहे हैं। ये हमारी उन सरकारों को, उत्तराखंड के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हम किस अभी किस स्थिति में, हमारी स्थिति क्या है, और हमारे लोगों को यहाँ आकर अपनी जान गंवानी पड़ रही है। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक चेतना की ज़रूरत है। और पहाड़ों में क्या वो कितना पैसा मिलता होगा दुकान में काम करके, जिस दिलवर की इसमें जान गई है और 6 महीने पहले वो यहाँ आए थे, क्या उम्मीद होगी, सोचा होगा राजधानी जा रहे हैं, बेहतर ज़िंदगी होगी, बेहतर भविष्य होगा और एक अच्छा जीवन यापन होगा, परंतु हाथ क्या लगी, मौत, वो भी निर्मम हत्या। तो ये क्या हमारे वहाँ जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, जो उत्तराखंड के बारे में सोच रहे हैं, जिनने उत्तराखंड की बेहतरी का जुम्मा उठा रखा है, क्या उनको इस चीज़ पे कोई वो दुख हुआ होगा या नहीं होगा, क्या वो इस चीज़ पे उन्हें ऐसा क्या एक मैसेज, कैसा मैसेज पूरे समाज पूरे देश को उत्तराखंड के बारे में गया होगा, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे लोग आज किस स्थिति में हैं, आज की स्थिति भी उत्तराखंड की कितनी दयनीय है कि जो बच्चे को कॉलेज पढ़ना था, जिस बच्चे को वो करना था, अपने अगले भविष्य के बारे में बेहतर सोचना था, शिक्षा लेनी थी, वो यहाँ पर एक दुकान में नौकरी करने के लिए 6 महीने पहले आया, और उत्तराखंड को बने हुए 20 साल हो गए, जितनी उसकी उम्र थी उतने साल उत्तराखंड को बने हो गए हैं, और उत्तराखंड उसके लिए एक इतनी छोटी नौकरी का जुगाड़ नहीं कर पाया, तो ये भी बहुत बड़ी शर्म की बात है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के लोगों को भी जागने की ज़रूरत है। एक एक दिलवर के साथ नहीं हो रहा है, ये उत्तराखंड के सभी दिलवरों के साथ हो रहा है, और हम सब इसके टारगेट हैं। कोई सीधे हो रहा है, जैसे दिलवर सीधे हो गया, वो उसकी हत्या हो गई, किसी की स्लो पॉइजन समझो, विकास नहीं हो रहा है, मानसिकता के शिकार हो रहे हैं, शराब पिलाई जा रही है और दूसरी दूसरी चीज़ें हो रही हैं, उनको उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक स्लो पॉइजन टाइप का उत्तराखंड में चल रहा है, ये उत्तराखंड की बर्बादी की ओर ले जा रहा है। दिलवर की घटना शायद हमको चेता जाए, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपको दिलवर के परिवार को, दिलवर दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, उत्तराखंड सरकार से हम अपील कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि वो मदद करें, और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, वो अकेला कमाने वाला था, इसलिए उसे सहयोग करें। परंतु ये सरकारों के ऊपर है, निष्क्रिय सरकारें हैं, देखा है हमने पहले भी, कई लोग शहीद हुए, कई लोग मर गए, कितना इन लोगों ने सहयोग किया, आगे करेंगे नहीं करेंगे, पर हम लोग निवेदन कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं, और परंतु सब लोगों को जागना पड़ेगा, सब लोगों को बेहतर उत्तराखंड के लिए काम करना पड़ेगा। हमें इनकी इस तरीके की मानसिकता जो समाज को बांटो तोड़ो और नफरत समाज में फैलाओ, घृणा नफरत में फैलाओ, और जो इस तरीके का जो एक प्रवृत्ति है उसके खिलाफ़ एकजुट होना पड़ेगा। जय भारत, जय उत्तराखंड।